हम बात कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस की जो बता रही हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब ये टॉपिक हमारे लिए बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमें ये आना चाहिए कि किस किस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारे पास कुछ मेथड्स मैंने दिए हैं, इसके अलावा भी मेथड हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। नंबर वन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। आप जानते हो एक्स ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया तो फिर आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर कि हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन करना है वो स्पेसिफिक हो, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना बहुत ज़्यादा वीक हो, मॉडरेट टाइप का हो। बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मॉडरेट हो गया तो ही सही है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है तो आप सिर्फ पीसीसी लो, पिरिडीनियम, इसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो आप पीसीसी भी ले सकते हो, CrO3 K2 Cr2 O7 भी ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने एल्डिहाइड के लिए यूज़ कर लिया प्राइमरी के लिए तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन कीटोन के लिए कर लिया तो वो सिर्फ वो सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कर दिया आपने तो वो सिर्फ कीटोन बनाएगा, और प्राइम 1 डिग्री के लिए कर लिया तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। आप जानते हो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी का 2 डिग्री। अगर हम बात करते हैं सेकेंड मेथड, हमारे लिए हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब -H2 ऑफ एल्कोहल। तो अगर आपको एल्कोहल लेना है और आपने 1 डिग्री ले लिया तो H2 निकालना है एल्कोहल में से। तो H2 निकालने के लिए कॉपर लेना पड़ेगा ट्यूब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और अगर एल्कोहल 2 डिग्री है तो वो धीरे धीरे कीटोन में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो 3 डिग्री है तो ना वो एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन, वो क्या बनाएगा, एल्कीन। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। अगला पॉइंट, ओजोनोलिसिस। हम जानते हैं ओजोनोलिसिस से हमें एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिडक्शन ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग ओजोनोलिसिस। यानी हम पहले ओजोनोलिसिस करेंगे उसके बाद रिडक्शंस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे। हमें करना कुछ भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगानी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ आ रहे तो यहाँ पर भी आ रहेगा, यहाँ आ रहेगा बिल्कुल वैसे। तो ये वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा, कीटोन, जबकि ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर। थर्ड पॉइंट, वॉकर प्रोसेस। ये एक तरह से हमारे पास ऑक्सीडाइजेशन ही हो रहा है किसका, लेकिन एल्कीन का। तो एल्कीन के अंदर आप देख रहे हैं एक तरह से एल्कीन हमारी सीधे किस में चेंज हो रही है, रिलेटेड एल्डिहाइड में। तो अगर आपको एल्कीन को सीधा एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करना है, किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में, तो आप वॉकर प्रोसेस कर लोगे। इसके लिए PDCl2 CuCl2 प्लस O2 या एयर भी ले सकते हो, ठीक है। सीधा एक तरह से हाइड्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, किसका, CH2। दस एक कार्बन को, और मतलब टोटल देखा जाए तो H2 का एडिशन हुआ है और आपको एक ऑक्सीजन मिल गई है। दोनों हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को, या ये कहा जाए कि आपको ऑक्सीडेशन हुआ है कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का। चलिए ठीक है। तो अगर नॉर्मल इथीन यूज करेंगे तो एल्डिहाइड कॉर्नर पे, और इथीन के अलावा कोई भी आपने एल्कीन यूज कर लिया तो आपको कीटोन मिलेगा। तो वॉकर प्रोसेस में कौन सा एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आप ही सोचो। आपको वो एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे बहुत सारे, जैसे यहाँ एसिड एल्डिहाइड तो मिल जाएगा, आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, आपको प्रोपेन एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रोपेन एल्डिहाइड के लिए 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन लेते ही आपके पास क्या हो जाएगा, कीटोन मिलेगा। यहां सी लगते ही ये कीटोन बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन होना आसान होगा, तो ये आसान होगा और ये कीटोन बना लेगा। तो वॉकर प्रोसेस से आपको सिर्फ एसिड एल्डिहाइड ही मिलेगा, यानी 2 कार्बन वाला, ना तो फॉर्मेल्डिहाइड ना प्रोपेन एल्डिहाइड। फिर आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन।
यानी एल्काइन से हम क्या करेंगे, एच जी प्लस आयन और एच टू एसओ फोर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां हमारे पास क्या हुआ है, सिर्फ देखा जाए तो हाइड्रेशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन हुआ है। और अगर आपने बड़ी एल्काइन ले लिया तो आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कुछ समझ में आया? तो ये कुछ पांच मेथड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें इसको। देखो आपका डाउट सही है, एक तो यहां H2SO4 करो, अगर यहां पर एक भी कार्बन बढ़ा दिया आपने, एक भी कार्बन, तो ऑक्सीडेशन इस कार्बन का होगा, तो 2 डिग्री पे क्या बनेगा, कीटोन। और एल्डिहाइड कब बनेगा, जब सिर्फ दो ही कार्बन हो इसका मतलब, और दो कार्बन होंगे तो क्या बनेगा, एसिट एल्डिहाइड बनेगा। और अगर एक कार्बन कर नहीं सकते तो फॉर्मल्डिहाइड तो बनने से रहा आपके पास, तो इससे मात्र एक ही एल्डिहाइड बनेगा और वो होगा ये, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और उसके अंदर सिक्स नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी फाइव हम कर चुके हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, यानी आपके पास जो एल्काइन है ये जो दिख रहा है, इसका सिर्फ आपको क्या करना है, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ फर्स्ट रिएक्शन करनी है, बनने वाला बोरोन का कॉम्प्लेक्स होगा, उसका ऑक्सीडेशन करना है H2O2 इन एल्कली मीडियम में, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड। खास बात क्या है कि यहाँ पर एक H होना जरूरी है, क्योंकि वही H बोरोन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है। अगर इसका मतलब एक H होना चाहिए, यानी कि एल्काइन क्या होगी, टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइन होगी, और उसके बाद ये रिएक्शन होगी, तो इसका मतलब फाइनली आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड ही बनेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ एक तरह से देखा जाए तो पहले एक H2 का एडिशन होता है, यानी कि हाइड्रेशन होता है, वो भी एंटी मार्कोनिक आर्क के थ्रू, यानी H जनरली OH यहाँ जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल पे जुड़ेगा, तो इसलिए एल्डिहाइड बनेगा। तो ओनली टर्मिनल एल्काइन गिव्स दिस रिएक्शन एंड ओनली एल्डिहाइड जनरेट बाय दिस रिएक्शन। आ रही है कुछ बात समझ में? तो ये तो रहा काम की बात। दूसरा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स, यानी हम जितने भी कैल्शियम सॉल्ट देखते हैं, जैसे ये कैल्शियम है, सॉल्ट कैसे, एसिटेट सॉल्ट है, मान लीजिए यहाँ पर CaCCOO- और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, और ये एक सॉलिड है, आपने इसको गर्म किया, CaCO3 बाहर निकल जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये कंपाउंड जो भी बच रहा है, जो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। सुनिए, कीटोन कब होगा, जब दोनों ही जगह आर आर होंगे। एल्डिहाइड कब होगा, जब एक तरफ आर हो और एक तरफ एच हो, या दोनों तरफ एच हो, तो एच एच आ जाएगा, और अगर आर एच है तो आर एच आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आप गर्म करेंगे, थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा और CO2 आ जाएगा। तो आपको ये मालूम है इस रिएक्शन से क्या बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन बनाने का हीटिंग प्रोसेस, इसमें हीटिंग करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा। अब ऑन पासिंग वेपर ऑफ फैटी एसिड्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये मैंगनीज ऑक्साइड MnO है आपके पास, 300 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले जा सकते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड करता है कौन सा एल्डिहाइड है। तो यहाँ हमने कौन सा एसिड है या कौन सा क्या कंपाउंड है, यहाँ हमारे पास क्या है, एक तरह से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका एक तरह से देखा जाए तो रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन होकर क्या बन गया, रिलेटेड कीटोन, और बाकी सब चीजें CO2 और H2O बाहर निकल गया, निकल जाने दो। इज दैट क्लियर? तो फैटी एसिड यानी बड़े आर ग्रुप होने चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा आर ग्रुप होगा उतना ही अच्छा रिएक्शन है। फैटी एसिड में का कहने का मतलब यही होता है कि आर बहुत बड़ा है, C10 या C20 इतने कार्बन है। दूसरी तरफ ये है आपके पास टॉलुइन, फिनाइल रिंग के साथ CH3 जुड़ा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, टॉलुइन। इस टॉलुइन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे MnO के साथ गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस PHCHO, यानी बेंजल्डिहाइड। अगर इसी को आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 वगैरह कुछ ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, एक कदम आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड। थर्ड, ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहेलाइट,
जेम डाइहैलाइड यानी एक ही कार्बन पे दो सीएल, क्यूएच के साथ क्या होता है, सीएल किससे रिप्लेस हो जाता है, ओएच से, ओएचओएच से रिप्लेस हुआ, आपके पास क्या बन जाएगा, 10, दोनों सीएल ओएच से रिप्लेस होंगे, आरसीएचओ बन जाएगा। यहां हमारे पास क्लोरीनेशन करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, ये हमारे पास डाइक्लोरो बन गया, और आपके पास फिर एक्वास केओएच ले लिया तो आपके पास ओएचओएच और ये बेंजाल्डिहाइड बन गया। लेकिन इसमें बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, हो सकता है कि एक ही बार क्लोरीनेशन हुआ तो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, यानी सीएचओ नहीं होके सीएच2ओएच आ जाएगा, ज़्यादा सीएल हो गए तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो वो साइड प्रोडक्ट भी रहेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम मेन रिएक्शंस इस तरह से देख रहे हैं, तो ये एक बात रही। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, तीनों एच को हटाती दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो आपको क्लोरीन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है और बहुत कम भी नहीं लेनी है, मीडियम अमाउंट, यानी सिर्फ इसका एक मोल ले रहे हैं तो इसके कितने मोल लेने की कोशिश करो आप, 2 मोल, जिससे आपके पास दो ही हटे, 3 मोल मत लेना। सिर्फ वो रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं जो एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने वो रिएक्शन कराया जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, इसमें है रोजेनबाउम रिडक्शंस, जो एसिड हैलाइट का रिडक्शंस करता है। एक तरह से देखा जाए तो हम लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, पैडमियम और हाइड्रोजन कैटलिस्ट का काम करते हैं और बेरियम सल्फेट नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, जो फर्दर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के लिए रोकता है। तो हमारी रिएक्शन ऐसे एसिड हैलाइड से शुरू होती है और एल्डिहाइड पर ही रुक जाती है, ठीक है। ये है हमारे पास स्पेसिफिक रिडक्शन और ये है हमारे लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कोई और ले लिया निकल हाइड्रोजन, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अल्कोहल ही बनेगा। सेकेंड है स्टीफन रिडक्शन, ये भी स्पेसिफिक रिडक्शन है, एक बार करता है सिर्फ, ठीक है ना। एल्कीन का रिडक्शन करने में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो सिर्फ एल मतलब ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ पहला वाला पाई बॉन्ड टूटता है, दूसरा वाला नहीं तोड़ पाता, तो ये टूट गया। अब उसके बाद हाइड्रेशन कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ओ एच ओ एच इसको गेन होगा, एक कार्बन पे दो ओ एच, स्टेबल नहीं है, फाइनली आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर आपने ये नहीं किया होता, डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रेशन करा होता, एसिडिक हाइड्रेशन किया होता, तो दिक्कत क्या आती मालूम है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है क्योंकि एक ही कार्बन पे 3 OH आते हैं। हम पढ़ क्या रहे, एल्डिहाइड कीटोन्स, तो अपन क्यों इस तरह के करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया स्टीफन रिडक्शन, नाम भी ध्यान रखना है, स्टीफन रिडक्शन क्या है, ये है भाई, बिल्कुल। फिर आपके पास अगर H2PT ले लेंगे तो यहां पर एमीन बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री एमीन। गटरमान कोच रिएक्शन, ये गटरमान कोच रिएक्शन COSCR का, ये CO है, कोबाल्ट नहीं है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl यानी लुईस एसिड्स। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह से CO का एडिशन हुआ है, इसको बोल सकते हैं जैसे, इसको बोल सकते हैं कार्बोनाइलेशंस, कार्बोनाइल ग्रुप का एडिशन हुआ है, कार्बोनाइलेशंस, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोनाइलेशंस हो गया है और इसको हम बोलेंगे गटरमान कोच रिएक्शंस, गटरमान कोच रिएक्शन, नाम ध्यान रखना, गटरमान बहुत सारी रिएक्शंस आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिर है रायमंड टीमान रिएक्शंस, तो रायमंड टीमान रिएक्शंस है क्या, इसको देखिए, रायमंड टीमान रिएक्शन है अल्कोहल के द्वारा दी जा रही है, कौन दे रहा है, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, क्यूएच ले लिया आपने और बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसका हाइड्रेशन कर दिया, तो इसमें आपका एक तरह से इंटरमीडिएट कार्ब डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। जब डाइक्लोरोकार्बिन बनता है तो वो अटैच हो जाता है यहाँ पर या यहाँ पर, और उसी के रिलेटेड फिर उसका हाइड्रेशन करने पर हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। आप खुद ही सोचो कि ये डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ अटैच होगा तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे, दोनों क्लोरीन को ओएच से रिप्लेस करोगे, क्या होगा लास्ट में, फाइनल में ओएच ओएच अटैच हो जाएंगे, एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, क्या बन जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो अब यहां पर आता है कि आपके दिमाग में भी आ रहा है कि मेजर जनरली कौन बनता है, पेरा, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर ऑर्थो मेजर है फ्रॉम नाइट्राइल।
अब नाइट्राइल का स्पेसिफिक रिडक्शन करने के लिए या तो आप स्टीफन रिडक्शन यूज कर सकते हो जो अपन पहले ही कर चुके हैं, या फिर आप डायबोल लग सकते हो। डायबोल बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बहुत पावरफुल नहीं, मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये इतना बड़ा है कि ये भी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट कर पाता है, उसके बाद हाइड्रेशन कर दो सेम वैसे के वैसे ही, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आर ओ टू सी एल टू लेते हैं, बच्चे भूल जाते हैं ऑक्सीजन एक है या दो है, सी आर ओ टू सी एल टू लेंगे, किसमें? कार्बन डाई सल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है सीओ टू, कार्बन डाई सल्फाइड यूज किया जाता है इसके अंदर एज ए कैटलिस्ट। और फिर उसके बाद एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है और उसको आप एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? बेंजाल्डिहाइड। बस इतना सा लिखना आपको, ये रिएक्ट हो सकता है बोर्ड में ये नहीं याद आया फॉर्मूला इतना बड़ा, तो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिख के भी आप काम चला सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है, तो आप इन सबको लिखें। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स ओनली, यानी ये वाले मेथड है जिससे सिर्फ कीटोन ही बनेंगे, यूजिंग एल्केनोइल क्लोराइड एंड डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये एक तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ग्रिगनार्ड की तरह है, आर माइनस आएगा यहाँ जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रिगनार्ड एक कदम आगे भी जाता है, सिर्फ ये यहीं तक रहेगा, यानी उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना ग्रिगनार्ड हुआ करता है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों आर टू सी डी जब भी लिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा? कीटोन, सही है। बहुत सी बार क्या देखने को मिलता है मेरे को, आर टू सी डी नहीं देखे, एग्जामिनर आपको ऐसे दे देता है आर एम जी एक्स प्लस कैडमियम। आर एम जी एक्स पहले कैडमियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आर टू सी डी बना लेगा, और आर टू सी डी बना के क्या बनाएगा? कीटोन। अगर कैडमियम नहीं लिखा होता तो पता है क्या बनता? एल्कोहल। तो एल्कोहल जाता, स्ट्रॉन्ग बेस है। पहले आपके पास क्या होता, और वो भी 3 डिग्री, पहले क्या होता है एक आर यहाँ रिप्लेस होता, फिर एक और आर यहाँ आता, फिर ये OH में आता, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? कीटो, एक बहुत सेलेक्टिव है। तो इन दोनों का मतलब समझ गए आप? कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए ये रिएजेंट और ये रिएजेंट सेम है, लेकिन ये रिएजेंट अलग है। नेक्स्ट, बाय एसाइलेशंस और बेंजोइलेशंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी फ्रिडल काफ रिएक्शन, लुइस एसिड की प्रेजेंस में अगर हम एसिड हैलाइड ले लेंगे तो आप जानते हो CL AlCl3 का लेके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कार्बोनाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ESR। दूसरा, अगर आप चाहो तो ये बेंजीन है, यहाँ सी ओ सी एल टू ले लेंगे तो पहले सी ओ आ जाएगा, एक सी एल इस बेंजीन से हट जाएगा, दूसरा सी एल इस तरह से, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ये चीज डाई फिनाइल कार्बोनाइल कहलाता है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, फिनाइल सी ओ सी एल ले लेंगे तो फिनाइल अटैच हो जाएगा। तो मैकेनिज्म वही है, आप यहाँ सी एस सी की जगह सी सिक्स एच फाइव ले लेंगे तो ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ तक आ जाना चाहिए, थर्ड नंबर तक। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो एसिड, तो ये बीटा कीटो एसिड है, कैसे? एस्टर है। कैसे पता चला है? ये एस्टर है, ये पूरा का पूरा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसका हाइड्रेशन करेंगे आपको बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसको गर्म करो और जब भी एक कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप भी अटैच है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक की कुर्बानी होती है, यानी बिल्कुल ऐसे साफ हो जाता है जैसे था ही नहीं। एक ही कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ और सी डबल ओ एच भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो सी डबल ओ एच को गायब कर दो हाइड्रोजन के लगा के, तो ये आपके पास सी ओ टू निकल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ये एक तरह से बीटा कीटो एसिड, सॉरी फाइनल कंपाउंड आपके पास बनेगा कीटोन। और हम इसको पढ़ रहे हैं कीटोन ओनली प्रिपरेशंस कीटोन।
फ्रॉम नाइट्राइल, अगर आपके पास नाइट्राइल है और आपने आर एम जी एक्स लिया तो आर यहाँ आएगा, एक नाइट्रो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आ गया एन माइनस। अब दोबारा रिएक्शन नहीं होगी, समझ में आ रहा है कि एक पाई और है, नहीं है, अब इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा पोलर नहीं है वो, एक बार माइनस आने के बाद पोलरिटी खत्म सी हो जाती है। तो फिलहाल उस पर नहीं, अब इसका हाइड्रेशन कर दिया तो ओ एच ओ एच और एक कार्बन पे दो ओ एच स्टेबल नहीं है, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाइड्रेशन के बाद पूरा एम जी एक्स सब चेंज हो गया, एम जी ओ एच टू में चेंज हो गया, अब कोई ग्रिगनार्ड नहीं बचा जो इसको बाद में एल्कोहल में कन्वर्ट करे, कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करे। इज दैट क्लियर? यहाँ एच ले लोगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, यहाँ आप आर ले लोगे तो कीटोन बन जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो अगर यहाँ एच ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एल्केन बनेगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन एसिडिक होगी और फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो इससे क्या आप एल्डिहाइड बना सकते हो? नहीं, नहीं बना सकते। आपने सोचा यहाँ आर ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं होगा, फिर रिएक्शन ही अलग हो जाएगी। अभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, फिर ये एसिड बेस रिएक्शन होकर एल्केन बन जाएगा, यहाँ एच एसिडिक होते ही आर एच एल्केन। तो क्या इससे एल्डिहाइड बन सकता है? नहीं, इसलिए ये टॉपिक कहाँ जाएगा? कीटोन प्रिपरेशन।